अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या बात है सुमन, तुम यहां अकेली क्यों बैठी हो? कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? अंशुमन जी, अब हमें कोई बात क्यों परेशान करेगी? अब तो आपका साथ भी है और सर पर बड़ों का आशीर्वाद भी। वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं, अब तो सबका साथ भी मिल गया है फिर भी तुम यहां अकेली बैठी हो। अब तो तुम्हें चैन की नींद सोना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चैन की नींद के खराटे ले रहा होता। सारे सपने पूरे होते जो दिख रहे हैं। सपनों को सच होता थे, दिल की धड़कनें तो हमारी भी कम होने का नाम नहीं ले रही अंशुमन जी। इतनी सारी खुशियां हमें कभी मिली ही नहीं, और जब भी हमने खुशियों को खुद में समेटने की कोशिश की है वो बस हमसे दूर चले गए। इसलिए बस एक अनजाना सा डर लग रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी सारी खुशियों को संभाले कैसे। जब ऐसे बेमतलब सवाल मन को डराने लगे तो खुद को अच्छी यादों से जोड़ लेना चाहिए। अच्छी यादें मन के सारे डर को खत्म कर देती हैं। वैसे मेरे मन में भी एक सवाल है, या फिर यूं कह लो कि एक विनती है जो सवाल उड़े खड़ी है। अगर आज मैं तुमसे पूछूं तो जवाब दोगी क्या? अंशुमन जी, हमें आपकी हर विनती स्वीकार है, आप पूछिए तो सही। लेकिन सुमन, तुमने तो पूछा ही नहीं कि मैं तुमसे क्या विनती करने वाला। अंशुमन जी, हम आपको जानते हैं, जिस तरह आप हमारे जज्बात की कद्र करते हैं, आप जो भी पूछेंगे सही ही होगा। सुमन, तुम्हारे इस विश्वास ने मेरे अंदर एक हिम्मत सी भर दी है। लेकिन मेरे मन में भी एक सवाल है। मैंने हमेशा तुमसे अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं, जो भी महसूस किया वो कहा, लेकिन मैंने तुमको कभी अपनी फीलिंग्स शेयर करते नहीं सुना। आज जब सब सही है तो मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि तुम हमारे बारे में क्या महसूस करती हो, इस रिश्ते को कैसे देखती हो। इस बारे में मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं सुना। तुम्हारी मुस्कुराहट से बहुत कुछ महसूस किया है मैंने। अब मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूं। अंशुमन जी, एक एहसास को बता पाना कि आप किसी के लिए क्या महसूस करते हैं बहुत मुश्किल होता है। शक भी शायद कम से पड़ जाते हैं, इसलिए तो हम मन की बातें आंखों से पढ़ने लगते हैं। अंशुमन जी, आप हमारी जिंदगी में बसे हैं, आप हमारे जिंदा रहने की वजह है। एक वक्त था जब सब कुछ आधा अधूरा सा था, लेकिन अब
अब पूरा हो गया है। पहले हमें जीना पड़ रहा था, लेकिन अब जीने की तमन्ना है अंशुमन जी। अब जब भी हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं, तो मन विश्वास से भरा होता है। देखिए ना, आपकी कोशिशों की वजह से आज सुरभि माँ का प्यार हमें वापस से मिल गया। अंशुमन जी, आप तो हमारे हर एक पल में हैं। अब इसे कैसे बताएं? बस तुमने सब कह दिया, सारे सवालों के जवाब दे दिए। जो नहीं कहा वो भी, और जो कह दिया वो भी। अंशुमन जी, हम आपके बिना अधूरे हैं। आप हमारे साथ हैं, हमारे हर एक सांस में, हर पल में हम आपके एहसास को महसूस करते हैं। सुमन, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं सुमन, तुम मेरे साथ हो। और अधूरा तो मैं भी था ना, लेकिन अब पूरा हो गया। तुम मेरा सहारा हो सुमन, और मैं तुम्हारा साथ ताउम्र चाहता हूं। घर में सबको आरती दिखा के पूरे घर में भी आरती दिखा के आओ। जी सुरभि माँ। अरे पंडित जी, आप कल्याण। पंडित जी को हमने बुलाया है। प्रणाम पंडित जी। आइए ना विदा जी, आइए। केतारी, पंडित जी के लिए चाय लाओ। हमने पंडित जी को सुमन और अंशुमन की शादी का मुहूर्त निकालने के लिए बुलाया है। तो बहुत अच्छा किया छटकी बहुत तुमने, अंशुमन और सुमन की शादी। वाह। आ तो पंडित जी, शुभ से शीघ्रम शुभ मुहूर्त बताइए। बस देख के बता रहा हूँ।